आपने इतनी देर क्यों? ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? मैं हूं गीता, आपकी गीता, आपकी पत्नी। हाँ ठाकुर साहब, ये औरत आपकी पत्नी है या नहीं? जी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखी वुड। दोस्तों मैंने फिल्म देखी मेरा साया, और पूरी फिल्म देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट। सुपर हिट का कारण है माइंड ब्लोइंग स्टोरी। स्टोरी ऐसी है जो आपको एंड तक उलझा के रख देगी। ये जो मैडम है साधना सिंह, ये कहती हैं कि मैं इनकी वाइफ हूँ सुनील दत्त सर की, और सुनील दत्त सर ने अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को दफनाया होता है, मतलब चिता विता जो भी होती है। तो अब वो कैसे यकीन करें कि ये मेरी वाइफ है, और जबकि ये सारे सबूत देती है कि मैं इनकी वाइफ हूँ, ये रहे सारे सबूत। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो जाती है कि मतलब दिमाग सन्न रह जाता है, और फिर जो एंड होता है वाह। अभी तक तुम इनसे वो बातें पूछ रही हो जो हर कोई जान सकता है, अब तुम इनसे वो बातें पूछो जो सिर्फ तुम्हारे और इनके दरमियान हुई हो। कमीज उतारिए। What do you mean? मैं कहती हूँ अपनी कमीज उतारिए। अब मैं वो पहचान बताऊंगी जो आप खुद भी नहीं जानते। आपकी पीठ पर दाएं हाथ की तरफ एक काला तिल है। दूसरी चीज इस फिल्म की जो सबसे अच्छी है वो है इसके गाने, झुमका गिरा रे। ये गाना बचपन में बहुत सुना था और बहुत हिट हुआ था, और ये नहीं मानता कि इस फिल्म का गाना है, और जब इस फिल्म में ये गाना देखा तो मज़ा आ गया। और नैनों में बदरा छाई, ये गाना तो समझ लो कि सोलफुल सॉन्ग है, आपको एकदम आँख बंद करके डिजिटल वॉइस में सुनो तो मज़ा ही आ जाएगा। बस फिल्म टेक्निकल रूप में मतलब 1966 या 67 की फिल्म है, तो उस समय डॉल्बी डिजिटल साउंड नहीं था, हाई डेफिनेशन वाले कैमरे नहीं थे, लेकिन जो भी उस समय की टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से फिल्म जबरदस्त है। मतलब आज भी अगर आप फिल्म देखोगे तो फुल इंगेजमेंट और इंटरेस्ट आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि आखिर ये बीबी इसकी है या नहीं है। ये इतना खतरनाक तरीके से सस्पेंस है ना कि मज़ा आ जाता है। तो ये फिल्म अवेलेबल है यूट्यूब पे, और मैं तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर ज़रूर देखो। फुल इन्जॉयमेंट है, फुल टाइम पास है, प्लस जो उस समय की जो स्टोरी राइटिंग नैरेटिंग डायरेक्शन वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी उनको आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको लगेगा उस समय एज ए फिल्म स्क्रीन प्ले राइटिंग डायलॉग डिलीवरी ये सब चीज़ कितने मायने रखती थी, और इन चीज़ों पे कितना ध्यान दे रहा था, और ख़ास करके म्यूज़िक। परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ कहना ही बेकार है कि सबकी बढ़िया परफॉर्मेंस है। बाकी मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी फिल्म, और फिर आप देख लीजिए। तो दोस्तों बस इतना ही कहना फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।